का विषय हमने लिया है एनीमिया और पेट के कीड़े। जी हाँ, यही विषय है हमारे आज के इस कार्यक्रम का। एनीमिया और पेट के कीड़ों की वजह से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, कैसे बचा जाए और आखिर इसका इलाज क्या है, इन्हीं तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे अपने आज के इस कार्यक्रम में एक्सपर्ट से। आज के विषय से जुड़ा हुआ अगर आपका भी कोई सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं या कोई जिज्ञासा है, आप हमें फोन कर सकते हैं। फोन करने के लिए जल्दी से कागज और कलम उठाइए, फोन नंबर्स नोट कीजिए। फोन नंबर्स इस प्रकार से हैं 0522-220-5756, दूसरा नंबर 0522-228-8698, तीसरा नंबर 0522-407-6802। फोन आप जरूर करें, लेकिन फोन करने से पहले टीवी सेट की आवाज को थोड़ा सा कम कर दें और सवाल को संक्षिप्त रखें। आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर हरिओम दीक्षित। डॉक्टर साहब का ताल्लुक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश से है, आप महाप्रबंधक राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। नमस्कार डॉक्टर साहब, ये हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम है तो जाहिर सी बात है कि कॉलेज के फोन आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि पेट के कीड़े क्या है और किसी को ये बात कैसे पता चलेगी कि भाई उसके पेट में कीड़े हो गए हैं। क्या कोई साइन एंड सिम्टम होते हैं या कोई खास लक्षण होते हैं? जी हाँ बिल्कुल, पेट के कीड़े जो है देखिए हमारे प्रदेश में सबसे ज्यादा व्यापक है। जी 76% बच्चों में जो आपके 1 साल से लेकर के 18 साल तक के जो किशोर किशोरिया बच्चे हैं उनमें पाए जाते हैं। कीड़े 3 प्रकार के हैं, आपने सुना होगा पेट में से केचुआ निकला जी। राउंड वर्म कहते हैं उसको। कुछ कीड़े होते हैं जैसे चुन्ने काटते हैं, रात को सोते टाइम बच्चे शिकायत करते हैं कि साहब उनको मल द्वार के पास खुजली मचती है, वो भी एक पेट के कीड़े के कारण से होता है। और कुछ कीड़े होते हैं जो आंखों से दिखाई नहीं पड़ते, हुकवर्म जिन्हें कहते हैं। और लक्षण तो इनका ये होता है कि बच्चों में पेट का दर्द रहना, भूख न लगना, कमजोर हो जाना और उनका विकास न होना। बच्चे पता लगा रहे जो ग्रोथ करना चाहिए ग्रोथ नहीं कर पा रहे, तो ये एक कारण हो सकता है कि बच्चों में सिम्टम में कभी कभी उल्टी में भी कीड़े निकल आते हैं, तो ये पता चल जाता है। कभी कभी शिकायत भी करते हैं कि मम्मी आज हमारे पेट में से लैट्रिन के टाइम में कीड़े निकले। इस प्रकार के सिम्टम्स होते हैं। मैंने आपको बताया कि इन कीड़ों की वजह से बच्चों में काफी शिकायत से परेशानियां हो जाती है, वो अगले प्रश्न में अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको अवश्य जवाब। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक कॉलर जुड़ गए हैं, वो कुछ जानना चाहते हैं। हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में। हेलो हेलो जी, अपना क्वेश्चन पूछिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब ये पेट में कीड़े हैं तो इसका कोई लक्षण है कि पता चल जाए कि हमारे पेट में कीड़े हैं? डॉक्टर पेट में कीड़े हैं तो हमें क्या करना है? बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपको अभी यही बता रहे थे लक्षणों के बारे में। डॉक्टर साहब एक बार लक्षण फिर से बता दीजिए और क्या करना चाहिए। कभी कभी पेट में दर्द की शिकायत होती है और कभी कभी जी मिचलाता है और भूख नहीं लगती है, और इसके कारण बच्चे कमजोर हो जाते हैं और रात को पता लगा सो रहे हैं बच्चे कह रहे हैं पापा वो मल द्वार के पास खुजली मचती है, कभी कभी वो शिकायत करते हैं कि लैट्रिन में हमारे कीड़े निकले आज जो है, तो इस प्रकार के लक्षण होते हैं और बच्चे कमजोर हो जाते हैं अगर उनका निदान न किया जाए तो। फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर समस्याएं हैं तो उसका समाधान भी है, घबराएं बिल्कुल नहीं, फौरन डॉक्टर से कांटेक्ट करें। डॉक्टर साहब आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर पेट में कीड़े हो गए हैं तो उसकी वजह से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? बेसिकली बीमारियां में तो एनीमिया एक बहुत मुख्य कारण है। एनीमिया होता कारण ये है कि जो हुकवर्म होता है जी, और अधिक संख्या में हुकवर्म है तो वो जहाँ भी आंख में चिपकते हैं आंख में चिपक जाते हैं और फिर छूट करके दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो थोड़ा थोड़ा रक्त खराब होता रहता है पेट की आंतों में और धीमे धीमे बच्चे खूब खून की कमी में हो जाती है, एनीमिक हो जाते हैं। मतलब ये बहुत बड़ी परेशानियां बच्चों में देखी जा रही है, जिसकी वजह से बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, स्कूल नहीं जाते हैं, पेट में दर्द रहता है, तो इसलिए वो कहते हैं आज पेट में दर्द आज स्कूल नहीं जाएंगे। ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं और इसके लिए सरकार काफी अच्छे प्रयास कर रही है। जी जी, तो डॉक्टर साहब हमारा जो आज का विषय है उससे संबंधित हम आपको एक लघु नाटिका दिखाना चाहेंगे, तो आइए आप भी हमारे साथ देखिए ये लघु नाटिका। Thank you.
आप यहाँ हैं? और बताइए क्या हाल चाल? सब ठीक है भैया, कब आए? बस निकल रात ही आए, सोचे कि आप लोग का हाल चाल ले ले, तो सबसे मिलजुल ले। अच्छा किया। और हमारी देवरानी और बबुआ कैसे हैं? बस आप लोग का आशीर्वाद है भाभी। मुनिया कहाँ है? स्कूल स्कूल जाती है कि नहीं? हाँ, यही प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही है, फटाफट अंग्रेजी भी बोलती है, बाबूजी को अखबार पढ़कर सुनाती है, उनका कागज पत्र भी पढ़कर बता देती है। अरे वाह। बस आजकल थोड़ा बीमार रहती है। क्यों, क्या हुआ भाभी? ठीक से खाती पीती नहीं, चिड़चिड़ी हो गई है, दुबली पतली तो पहले ही थी, अब और दुबली और कमजोर हो गई है। अरे तो डॉक्टर को दिखाया? बाबूजी से कहे थे, उन्होंने कहा कि अनाज कट के आ जाए तो ले जाएंगे। तो आप ही क्यों नहीं ले जाती है स्वास्थ्य केंद्र? अब हमारी कौन सुनेगा अस्पताल में? क्यों नहीं सुनेगा, उसके पेट में कीड़े तो नहीं? अब हमें क्या पता, पिछली बार पेट के कीड़े वाली दवाई कब खिलाई थी? हमने तो कोई दवाई नहीं खिलाई। अरे भाभी, पेट के कीड़े मारने की दवाई साल में 2 बार यानी कि हर 6 महीने में 1 बार जरूर खानी चाहिए। अब हमें क्या पता? क्यों, क्यों नहीं पता? अरे सरकार इतना प्रचार प्रसार करती है, रेडियो टीवी अखबारों सब में तो बताती है कि पेट के कीड़े मारने की दवाई साल में 2 बार यानी कि 6 महीने में 1 बार जरूर खानी चाहिए। पेट में कीड़े ना हो तब भी? हाँ हाँ, तब भी सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर ये दवाई बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। अरे अब तो सरकार विशेष अभियान चलाकर 1 से 19 साल तक के बच्चों को पेट के कीड़े मारने की दवाई खिलाने का अभियान चला रही है। अच्छा। हाँ भाभी, बस ये समझ लीजिए कि पेट के कीड़े की वजह से न जाने कितने तरह की बीमारियां होती हैं। अरे महिलाओं और लड़कियों में तो इसकी वजह से एनीमिया हो जाता है। एनीमिया? अरे खून की कमी, हमारे खून में एक चीज होती है हीमोग्लोबिन, और जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो आदमी कमजोर हो जाता है और उससे 50 तरह की बीमारियां होती है। हे भगवान। भाभी किशोरियों यानी कि नई उम्र की लड़कियों और औरतों में तो खून की कमी की संभावना और ज्यादा हो जाती है। कहीं मुनिया को खून की कमी तो नहीं? हो सकता है। असल में बात यह है भाभी कि लड़कियों और औरतों में महावारी के कारण खून की कमी ज्यादा हो जाती है। अब देवर जी तुम भी? भाजी लजाने की बात नहीं है, या तो फिर लजा लो या स्वस्थ रह लो। ये बताओ आयरन की गोली खाती हो कि नहीं? जब मुन्ना होने वाला था तब डॉक्टर साहब दी थी आयरन की गोली, कह रही थी जच्चा बच्चा दोनों ठीक रहेंगे। तो मुन्ना होने के बाद नहीं खाई आयरन की गोली? डॉक्टर ने बताया तो होगा। कहाँ भैया? भाभी देखिए, सेहत के साथ लापरवाही ठीक नहीं है, बच्चा होने से पहले और बच्चा होने के बाद आयरन की गोली जरूर लेनी चाहिए। तुम तो मुनिया के बारे में बताओ भैया, उसका क्या करें? उसे स्वास्थ्य केंद्र पर लिखा चाहिए, डॉक्टर की सलाह से ही पेट के कीड़े मारने की दवाई देनी चाहिए, और मुनिया उसके उम्र की किशोरियों महिलाओं खासतौर से गर्भवती महिलाओं और प्रसव के बाद माताओं को आयरन की गोली जरूर लेनी चाहिए। और अच्छी बात तो ये है भाभी कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर ये दवाई बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। अच्छा। हाँ। जी बाबूजी। अरे खुश रहो तुम तो भाई बेटा। बस कल रात को ही आए। अरे ये बताओ कि कौन से सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर दवाएं बिल्कुल मुफ्त दी जाती हैं? काका जी सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर दवाएं जांच और इलाज बिल्कुल मुफ्त किया जाता है। ये सब खबर तुम्हें कैसे लगती है? काका जी बस खबर लेने वाला होना चाहिए, स्वास्थ्य केंद्रों आंगनबाड़ी सेविकाओं और आशा बहनों से पूछा करिए, सब खबर मिल जाएगी। अच्छा। हाँ काका, अखबारों में रेडियो में और टीवी पर भी सरकार की सभी योजनाओं सुविधाओं और सेवाओं की जानकारी दी जाती है। टीवी पर भी? हाँ भाभी टीवी पर भी, डीडी उत्तर प्रदेश चैनल पर हर मंगलवार से शुक्रवार को शाम 6:05 पर एक प्रोग्राम आता है मिशन हेल्थ, उस पर स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां दी जाती है।
अगर हम तो वहीं से सीखे हैं और सबको बताते हैं, तो ये कहो ना कि तुम भी प्रचारक बन गए हो स्वास्थ्य के। लेकिन काका, हम सभी को प्रचारक बनना होगा सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं का, तभी तो बनेगा स्वस्थ भारत। अभी आप एनीमिया और पेट के कीड़ों पर आधारित ये लघु नाटिका देख रहे थे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इसके जरिए जो जानकारी प्राप्त हुई है, आप उसका लाभ उठाएंगे और स्वस्थ रहेंगे। डॉक्टर साहब, ये जो हम लोगों ने अभी लघु नाटिका देखी, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? ये लघु नाटिका बहुत अच्छी है जी। और इसमें बड़ा स्पष्ट संदेश है कि जो एनीमिया है जी, उसका मुख्य कारण पेट के कीड़े हैं। और दूसरी बात, इसमें मुख्य बात यह है, इसके रोकथाम के लिए जो दवाइयाँ दी जा रही है सभी सरकारी अस्पतालों में है, और वो भी निशुल्क है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। डॉक्टर साहब, एक कॉलर जुड़ गए हैं भिंड से, आर्या साहब है। हेलो। हाँ जी मैम। नमस्ते, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते मैम, मैंने 2 साल पहले मैंने दिखाई देती है खाने के बाद, मुझे पता नहीं उसके 1 साल बाद क्या हो जाता है, जैसे फोड़े से निकलने शुरू हो जाए हैं, पता नहीं कभी कभी शुरुआत में 1-2 महीने में ठीक रहता हूँ, फिर उठ जाते हैं, ऑपरेशन होता है, पता नहीं चलाया मुझे क्यों हो रहा है बार बार। आपका सवाल हमको बहुत क्लियर नहीं मिल पाया डॉक्टर साहब, क्या आप समझ पाए कि सवाल? वास्तव में बहुत स्पष्ट शब्दों में नहीं मेरे को सुन पाया हूँ मैं। हाँ। या तो आप दोहरा सकते हैं संक्षेप में? सर, शायद जो इन्होंने दवा ली थी इनको सूट नहीं कर रही है। मेरे ख्याल से जो सरकारी अस्पताल में टेबलेट एल्बेंडाजॉल दी जाती है जी, अभी हम लोग हर पूरे वर्ष में 2 बार ये राउंड चलाते हैं, 10 फरवरी को और 10 अगस्त को जी। तो जो आंकड़े हमने देखे हैं, जहां पर हम करोड़ों बच्चों को दवाई देते हैं, हम करोड़ों बच्चों को दवाई देते हैं, तो करोड़ों बच्चों में से 1 या 2 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पेट में दर्द हो जाता है, कभी कभी जीभ मिटलाने लग जाता है, अन्यथा ऐसा कोई कारण नहीं है कि इससे कोई किसी को रिएक्शन हुआ हो। अब तक के 5 राउंड हम पूरे वर्ष में चला चुके हैं, 6वां राउंड हम 10 अगस्त को चलाने जा रहे हैं, ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली जिसको हमें चिंता होने की जरूरत है। लेकिन अगर कोई दिक्कत हो रही है तो एक बार ये डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें। हो सकता है कि उनको किसी और कारण से, अगर पेट में कई बार कीड़े जब ज्यादा होते हैं अच्छा, तब ये दिक्कत होती है कि उनको जी मिटला जाए, उल्टी हो जाए, तो ऐसी स्थिति में वो नजदीक के जब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां जाके डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। जी जी, फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अगला सवाल मेरा ये है कि पेट में कीड़े बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो जाएं और उसके बाद डॉक्टर साहब ये चाहेंगे कि बचाव क्या किया जाए, इसके बारे में हम आपसे जरूर जानकारी लेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकना चाहेंगे एक ब्रेक के लिए। तो अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज इस कार्यक्रम का विषय हमने लिया है एनीमिया और पेट के कीड़े, और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने एक्सपर्ट डॉक्टर हरिओम दीक्षित जी, और इस वक्त एक कॉलर जुड़ गए हैं, योगेश जी हैं लखीमपुर खीरी से। हेलो जी, मैं योगेश कुमार दीक्षित, जिला लखीमपुर खीरी गोरा गोकर्णनाथ से बोल रहा हूँ। जी योगेश जी, क्या सवाल है आपका? ये सवाल ये है कि पेट में कीड़े हो कैसे जाते हैं? अच्छा भाई, ये डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा सवाल है कि पेट में कीड़े आखिर हो कैसे जाते हैं। देखिए, पेट में कीड़े जो होते हैं एक्चुअली में ये मल के अंदर रहते हैं, पेट के जब मल बाहर जाते हैं और वहां से धूल में मिट्टी में उड़ करके साफ सब्जी में मिल करके ये हमारे पास आते हैं, और यदि हमने साफ सफाई की अच्छी से व्यवस्था नहीं की है, शौच के बाद हमने अच्छे से हाथ नहीं धोए हैं, तो कभी कभी पेट के कीड़े हमारे मुंह में चले जाते हैं। तो हमें व्यक्तिगत स्वच्छता की जरूरत है, और सब्जी वगैरह है साफ सुथरे तरीके में धो करके खानी चाहिए, और वर्ष में जो 2 प्रकार ये अभियान चलाया जाता है इसी के लिए, अगस्त में 10 अगस्त को और 10 फरवरी को, तो हम सबको इस जो निःशुल्क जो दवाई बांटी जाती है स्कूलों में, मदरसा में, इवन प्राइवेट स्कूलों में, आंगनबाड़ी केंद्रों में, इसका लाभ अवश्य लेना चाहिए। योगेश जी, फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मेरा जो सवाल था कि पेट में कीड़े बिल्कुल खत्म हो जाए, कैसे बचा जा सकता है, इसके लिए किस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? सरकार ने बहुत ही अच्छी योजना बना रखी है जी, जिसमें हम लोग डिवर्मिंग बोलते हैं, नेशनल डिवर्मिंग डे, और ये साल में हम 2 बार मनाते हैं, एक 10 अगस्त को और दूसरा है 10 फरवरी को। आगामी 10 अगस्त को हम पूरे 75 जनपदों में ये अभियान चलाएंगे,
इसमें सरकारी स्कूल, सरकारी सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूल, प्राइवेट स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्रों पर, और एक साल से लेकर के 19 वर्ष तक के बच्चे और किशोरियों की दवाई दी जाती है। उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है, इन पेट के कीड़ों की वजह से जहां बच्चों की भूख खत्म हो जाती है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, और छोटे बच्चों में तो कभी कभी मानसिक विकास पर भी असर पड़ता है, लड़कियां एनीमिक हो जाती हैं। तो इसके लिए ये प्रोग्राम चलाया जाता है कि भाई हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे, पढ़ेंगे अच्छेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, उनका मानसिक और शारीरिक विकास अच्छा होगा, इसलिए बड़ा अच्छा अभियान हम लोग अगस्त में और फरवरी में चलाते हैं। तो डॉक्टर साहब, कहा जाता है ना कि जिस देश के बच्चे स्वस्थ होते हैं वो देश भी बहुत मजबूत होता है, इसलिए बच्चों को स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। जी जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं एनीमिया की। जैसा कि आपने जिक्र किया कि पेट के कीड़ों की वजह से एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, तो इसके क्या कोई लक्षण होते हैं, कैसे पता चलेगा कि एनीमिक हो गया है कोई शख्स? देखिए, बच्चा जब एनीमिक होता है ना तो बहुत ही निढाल, चुस्त दुस्त नहीं होगा, हमेशा शिथिल रहेगा, कमजोरी फील करेगा और ये सोचेगा कि मैं कहीं खेलने न जाऊं, बिस्तर पर पड़ा रहेगा, इस प्रकार के लक्षण होते हैं। और वैसे भी पता चल जाता है, डॉक्टर लोग पहचान करके बता सकते हैं। जी अच्छा, डॉक्टर साहब इस वक्त एक कॉलर जुड़ गए हैं, वो कुछ जानना चाहते हैं। हेलो जी, जी जी हेलो जी, आपका क्या नाम है और कहाँ से बोल रहे हैं, प्लीज बताइए। जी जी, मेरा नाम शान मोहम्मद है, मैं जिला अलीगढ़ से बात कर रहा हूँ। जी बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए सवाल अपना। जी मेरा सवाल ये था डॉक्टर साहब से कि एनीमिया में खून बनना बंद हो जाता है या और कोई वजह है इससे? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है डॉक्टर साहब। एनीमिया में खून बनना बंद हो जाता है, और ये भी जानना चाहेंगे हम आपसे कि क्या कोई पर्टिकुलर तत्व है वो नहीं बनता है? देखिए, खून बनना बंद नहीं हो जाता, लेकिन खून में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो कम हो जाती है, और जो स्टैंडर्ड है कि कम से कम 11 12 ग्राम हमारा होना चाहिए लड़कियों में और 14 से 16 ग्राम होना चाहिए लड़कों में, वो उसकी मात्रा कम हो जाती है। और इसके लिए बड़े अच्छे कार्यक्रम जो है सरकार चला रही है, और इससे होता है बच्चे कमजोर हो जाते हैं अपने खेल कूद में, अपने दैनिक जो कार्यक्रम उनके होते हैं उसमें उनका मन नहीं लगता है, पढ़ाई में भी बेचारे कमजोर हो जाते हैं। अच्छा, पीछे रह जाते पीछे हैं। रह जाते हैं। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए, और यहाँ पे हम रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम मिशन हेल्थ। मिशन हेल्थ कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एनीमिया और पेट के कीड़ों के बारे में। स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने एक्सपर्ट डॉक्टर हरिओम दीक्षित जी, और इस वक्त आगरा से एक कॉलर जुड़ गए हैं, वो कुछ जानना चाहते हैं। हेलो, हाँ मैं जानना चाहता हूँ। जी आपका शुभ नाम? हेलो, मेरा शुभ नाम दीपक शुक्रवार। जी दीपक जी बताइए क्या सवाल है? मेरा ये सवाल है कि मेरे पेट में दर्द होता है, कैसे हुआ? अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? हेलो, मेरी उम्र 17 साल है और डेट ऑफ बर्थ मेरी 26/8 2001। जी बताइए डॉक्टर साहब, क्या पूछा इन्होंने? ये कह रहे हैं कि 17 साल उम्र है और पेट में दर्द होता है इनको। देखिए पेट के दर्द क्या क्या डॉक्टर साहब, कीड़े का कोई लक्षण हो सकता है ये? देखिए, जब भी आप चिकित्सक के पास जाएंगे और आप कहेंगे पेट में दर्द है, तो हम सब हमेशा ही आपसे पूछेंगे कि पेट में दर्द है तो पेट में कभी कीड़े तो नहीं निकले? अगर निकले हैं तो, या नहीं निकले हैं तो अधिकांश चिकित्सक पेट के कीड़ों की दवा आपको अवश्य देते हैं, क्योंकि कई बार पेट के कीड़े आपको दिखाई नहीं पड़ते, केवल आप मल का जब परीक्षण कराते हैं तभी आपको पता चल जाता है कि वास्तव में पेट के कीड़े हैं अथवा नहीं, और आपने शिकायत की है पेट के दर्द की। तो कुछ कारण पेट के कीड़े भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ अन्य कारण भी हैं जो चिकित्सक के द्वारा आपसे सलाह लेंगे तो जानकारी आपको हो पाएगी। दीपक जी फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल और है कि अगर बाई चांस किसी को एनीमिया हो गया है कीड़ों की वजह से, तो उसका इलाज क्या है, और सरकार के द्वारा जो निपी कार्यक्रम चलाया जा रहा है NIPI, इसके बारे में जरा बता दीजिए। देखिए NIPI का पहले तो मैं पूरा तात्पर्य बता दूं, नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव। सरकार द्वारा ये कार्यक्रम इतना अच्छा चलाया जा रहा है कि हम आपकी इसकी भूर भूर प्रशंसा करना चाहते हैं, और अभी जितने भी हमारे दर्शक गण हैं उनको ये बताना चाहते हैं कि यदि आपका छोटा बच्चा है, मान लीजिए 1 साल का है या 1.5 साल का है, तो ये बताना चाहते हैं कि बच्चों की जो मानसिक विकास होता है वो केवल 2 वर्ष तक 80-90% तक डेवलप हो जाता है। इसका तात्पर्य ये हुआ, यदि आपका छोटा बच्चा 1 साल से 2 साल से छोटा है और वो एनीमिक है, तो उनका मानसिक विकास नहीं हो पाएगा, जिस प्रकार से आप सोचते हैं कि मेरा बच्चा इंटेलिजेंट हो, पढ़ने लिखने में होशियार हो, तो ये दिक्कत आती है। सरकार ने छोटे बच्चों के लिए निपी कार्यक्रम के अंतर्गत आयरन सिरप की व्यवस्था की गई है, जो कि साल हफ्ते में 2 बार लेना होता है 1 सप्ताह के अंदर।
ये 6 साल तक की व्यवस्था है। अब 6 साल से 10 साल तक के बच्चों के लिए वो छोटी गोली होती है, पिंक आयरन फोरिक एसिड की गोली, बहुत छोटी गोली होती है, आसानी से बच्चे जो है इसको खाते हैं। और ये गोली जो है सप्ताह में एक बार खानी चाहिए छोटे बच्चों को, और खाना खाने के 1 घंटे बाद। और जो 10 साल से बड़े बच्चे हैं, लड़कियां हैं जहां पर, क्योंकि उनके महावारी भी शुरू हो जाती है, तो ऐसी लड़कियों को तो विशेष तौर से ये गोली खानी चाहिए। उनको आयरन फॉलिक एसिड की ब्लू गोली हम लोग व्यवस्था करते हैं, तो सप्ताह में उसको भी एक बार खाना खाने के 1 घंटे बाद खानी चाहिए। और इसकी व्यवस्था सरकार ने स्कूल के माध्यम से, आंगनवाड़ी के माध्यम से की गई है। तो मैं दर्शकगणों को ये बताना चाहता हूँ कि आपके बच्चे स्वस्थ रहें, उनको एनीमिया ना हो, तो सरकार की योजना का पूरा पूरा लाभ उठाएं। ये सब निशुल्क है। बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी आपने हमारे व्यूवर्स को दी, थैंक यू सो मच। और दर्शकों, हम आपसे कहना चाहेंगे, डॉक्टर साहब ने जो आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी है, आप उसका पूरा पूरा लाभ उठाइए और स्वस्थ रहिए। आप स्वस्थ तो देश स्वस्थ। और जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम के आखिर में हम आपको ले चलते हैं, चलते चलते जी हाँ, इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, तो बस जल्दी से कागज और कलम उठाइए और नोट कीजिए आज का प्रश्न। हमारा आज का सवाल है, क्या पेट में कीड़े होने से शरीर में खून की कमी यानी एनीमिया हो सकता है? जी हाँ, यही सवाल है। और इस सवाल का जवाब आप हमें जल्द से जल्द डाक या ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। इसके लिए नोट कीजिए आप हमारा पता और ईमेल। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र, 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001। और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupplko@gmail.com। आप हमें खत जरूर लिखें, हमें आपके खत का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और इसी कामना के साथ आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मिशन हेल्थ कार्यक्रम जरूर देखते रहें। डॉक्टर साहब, मैं आपसे भी विदा लेती हूँ। आप इस स्टूडियो में आए और व्यूवर्स को इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी दी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।